वेलकम बैक टू माय चैनल लाइमलाइट ब्रेक्स। माय नेम इज प्रेक्षा और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे वर्स्ट हेयर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाए, तो ये आप देख सकते हैं खादी के प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन में भी काफ़ी सारे दिखेंगे। एक और प्रोडक्ट साथ में था जो था इसका सेम पैकेजिंग में ग्रीन कलर का एलोवेरा खादी का शैम्पू। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ओरिजिनल खादी बिल्कुल भी नहीं, ये सारे फेक खादी के प्रोडक्ट्स हैं। तो जो है ये कंडीशनर है, तो ये कंडीशनर की अगर बात करें तो कंडीशनर में खादी इंडिया है, तो ये ओरिजिनल हो सकता है। तो स्टिल ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया और कोई भी कंडीशनिंग इफेक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं रहा। इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत सारी है। तो ये क्लेम करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो ओरिजिनल खादी के मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ चेक किए तो वो रियली वर्क करता होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगाए तो इससे तो मेरे हेयर बहुत डैमेज हो गए थे। रिसेंटली बहुत हेयर फॉल हुआ और काफ़ी हेयर ड्राई हो गए थे। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी जिनने यूज़ किया उनने भी इसका बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे देखकर अगर मंगा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेट पे लिखे हुए हैं। मुझे ये अप्रॉक्स पड़ा था, कंडीशनर का प्राइस मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 150 रुपये। ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि इस प्राइस पे कि हमें ख़राब प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये चीज़ तो इस पे खादी इंडिया का कोई लोगो भी नहीं है, और जो मैं आपको शैम्पू बता रही वो भी सिमिलर पैकेजिंग में था, उस पे भी कोई लोगो नहीं था, और इसमें था बंसी वाला एंड इस पे है पार्वती गर्मोद्याग हर्बल प्रोडक्ट और ये है बंसी वाला खादी ग्राम उद्योग हर्बल प्रोडक्ट्स। इस तरीके के शैम्पू अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल ही फेक प्रोडक्ट है, और जो इस पे लिखा हुआ है उस पे ये खादी इंडिया का लोगो है, तो ये इसका सही प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन इस शैम्पू की वजह से अब मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो अगर आप खादी के प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। इसकी रेटिंग्स अच्छी है, आपको ये प्रोडक्ट सूट कर सकते हैं। किस कंडीशन में आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो उस कंडीशन में आपको मे बी अफेक्ट कर जाए, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद हेयर काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो उस केस में हो सकता है आपके हेयर का ऑयल काफ़ी ज़्यादा निकल जाए तो आपको ठीक लगे। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत वर्स्ट रिजल्ट देने लग जाते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये यूज़ करें और आपको कोई भी फ्यूचर में हेयर वाली प्रॉब्लम्स हो जो मैंने फेस करी। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये रिव्यू शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।